ना भूल गया था। ठीक है, तो हमारा इसका तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आप डिफेंड पकड़ सकते हो पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, पहला मैच हमारा डिफेंड हो गया। अब इसमें सीरीज डेट का भी ट्रिक लग रहा है, ठीक है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं अपने वर्ड्स पे ही रहूंगा, जैसे आज भी बांग्लादेश का अगर आप मैच देखोगे तो वो भी चेंज ही हो गया। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आप डिफेंड के साथ रहो, जिस हिसाब से मैंने अपना पहला वीडियो आपको बताया उस हिसाब से करो। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंग्लैंड में मैं वही बोलूंगा डीपीएल से चार आप करके आराम से छोड़ सकते हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान उलटफेर कर सकता है, मैं वही बता रहा हूं। इनका फिर वही गलती है, दो फास्ट बॉलर को मत खिलाओ, शादिया इकबाल को खिलाओ, जितने स्पिनर घुसाओगे उतना बेटर रहेगा। अगर ये पहली बैटिंग करे तो फिर रुकिएगा, 50 ओवर इनको खेलने दीजिएगा। ठीक है, पहली सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 50 ओवर खेल गए तो हालत खराब कर सकते हैं इंग्लैंड की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लैंड को मैंने आंख से 1000 बार कोलैप्स होते देखा है चेज में, इस सब चीज मैंने एडवांस वीडियो में बता दी है जो इन दोनों का बनाया है, तो वो डेली के वीडियो में खाली ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा कोई ब्लेज वर्सेस थंडर का मैच है, मैं पॉइंट्स टेबल देख लूँ तो ब्लेज 2 में 2 जीती है और थंडर 2 में 1 जीती है, तो हम ब्लेज के साथ रहेंगे। ठीक है, सिंपल है, जो अभी तक नहीं हारा जो अनबीटन है आप उसके साथ रहो। ऐसे में भी इसकी टीम में क्रिस्टी गॉर्डन टॉप क्लास की बॉलर है, मेरे को तो वो सोफिया क्लस्टन लग रही है। ठीक है, इतनी टॉप क्लास बॉलिंग कर रही है जिसका हिसाब नहीं है, मतलब मैं बहुत रेयर ऐसा सोचता हूँ, और मतलब लग रहा है कि हाँ भाई दम है, मतलब एक बॉल उसकी खराब नहीं जाती। ठीक है, तो आप ब्लेज के साथ रहो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब केकेआर और हैदराबाद में देखिए, मैं पहली बार ऐसा आईपीएल में हो रहा है कि मैं टीम नहीं पिक कर पा रहा, बिकॉज देखिए मेरा सिंपल है, पहली अगर आप मेरे से टीम डायरेक्ट पूछोगे तो हैदराबाद, वो मैंने बता दिया आपको, पहले भी बता दिया, जो एडवांस वीडियो बताया था उसमें बता दिया। ठीक है, पहले दिन ही मैंने बोला था कोलकाता, हैदराबाद और आपकी राजस्थान जाएगी। ठीक है, यही 3 टीम आपकी गई, ठीक है, टॉप 3 में थी और अब इन दोनों का फाइनल हो रहा है। इसके पीछे थिंकिंग पैट कमिंस थी। ठीक है, इनकी टीम हद से ज्यादा स्ट्रॉग है कोलकाता की, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लास्ट ईयर भी इनकी टीम हद से ज्यादा स्ट्रॉग थी, बट वो मैच हारे, इस साल वो मैच नहीं हार रहे। ठीक है, अब इनको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है कोलकाता को, पहली बात, बट ये हैदराबाद में बस यही है कि पैट कमिंस मेरा फेवरेट है। अब इसके ऊपर ना एंड में डिस्कशन करें, मेरी टीम हैदराबाद है, फिर भी मैं आपसे फुल डिस्कशन अभी वीडियो के बीच में करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ब्लेज और थंडर में इनकी बॉलिंग लाइनअप टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, आप इनके साथ रहो, ये कुछ भी करें, और कैथरीन ब्राइस सारा ब्राइस भी अब आ गई है, इन्हीं के साथ रहो। ठीक है, इनके टीम के साथ मत रहो, बाकी इंग्लैंड और पाकिस्तान में मैं भी बता रहा हूँ ना, इनकी जो बैटिंग लाइनअप अच्छी है ओडीआई के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, इनको सिर्फ एक चीज़ करनी है, या तो उम्मे हनी को हटा के सादिया इकबाल को खिलाओ, या तो टुबा हसन को खिलाओ, मेरे हिसाब से इनकी टीम कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट मैच में उन्होंने टक्कर दी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे ओडीआई के हिसाब से। पहले नेटलिस्ट के बरंट वगैरह सेंचुरी सेंचुरी मारती थी, आपकी हितर नाइट मारती थी, पर अब ये सब बहुत बड़ा इनिंग्स नहीं खेल रहे, या इनका मन नहीं कर रहा खेलने का, अब मेरे को नहीं पता हो सकता ओडीआई वर्ल्ड कप में खेले या तो वर्ल्ड कप में खेले, बाकी और कुछ नहीं बोलना, डीपीएल से एचआरई करो, ट्राई करो, वही बेस्ट रहेगा। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बोला था, आप इनका अगर कुछ दे रहा है तो वाई डबल एस एन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर इनके कहीं ना कहीं स्पिनर्स इनके विकेट गिरा देंगे, और 51 बॉल ट्रिक याद रखो लास्ट मैच में सब पास हुआ है। ठीक है, अब वो सब चीज़ भैया मैं बोलता नहीं हूँ, जमाना बीत गया। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज वैसे ये तो जस्ट अभी होने ही वाला है, इसमें इवन दो टूर्नामेंट डेड ट्रिक लग रही है, पर फिर भी मैं आपको डिफेंड ही बोलूंगा, मेरा सिंपल है, मैंने आपको उसका रीजन बताया है कि वेस्ट इंडीज चेस करेगी तो कलेप्स कर सकती है, नीचे के प्लेयर भले ही थोड़ा बहुत कलर ले आए, और क्योंकि इनके प्रेशर नहीं ले पाएंगे, ब्रेंडन किंग जो पारी कल खेला था और वो प्रेशर में शायद नहीं खेल पाएगा, ऐसा मेरा थिंकिंग है। ठीक है, बाकी मैं बड़ा वीडियो में होने, और ओटिल बाटमैन ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप में भी शायद खेलेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसका, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको भी मैं बना दूंगा जैसे आईपीएल कल खत्म होगा। ठीक है, अब ये कोलकाता हैदराबाद की बात करते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने वही टीम खिलाई जो मैंने आपको वीडियो में बोला था। ठीक है, विजय कान वाईकांत सबको हटा करके एकदम बेस्ट टीम इन्होंने खिलाई, इनकी टीम की यही प्लस पॉइंट है कि इनकी टीम एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी तक आप सोच लो पूरे सीरीज में इन तीनों का रोल बहुत ज्यादा रहा ही नहीं, बल्कि यही तीनों इनके मेन प्लेयर थे। ठीक है, बाकी देखा जाए तो नीतीश राणा भी आप आ गए हैं, बॉलिंग लाइनअप में भी ये अच्छा कर रहे हैं, सुनील नारायण अच्छा कर रहे हैं, और जो कल की पिच रहेगी बस वही आपकी चेन्नई में तो फाइनल है, तो उस पिच में भी देखा जाए तो स्पिनर्स और मदद करेंगे, बाकी देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में सुनील नारायण ने खेला है, और इसमें देखा जाए तो भाई ट्रेविस हेड आपके सब अच्छा करके आ रहे हैं। अब फाइनली एडन मार्करम या ग्लेन फिलिप्स आप किसी को भी खिलाओ, उसको मत खिलाना, सीधी सी बात, बाकी 100 क्लास एंड बिग मैच प्लेयर याद रखिएगा। ठीक है, नीतीश रेड्डी भी अच्छा कर रहे हैं, अब्दुल समाद अच्छा कर रहे हैं, ये सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैच में उन्होंने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है बेस्ट है। देखो मैं रहूंगा, मैं पहले अपना रीजन देता हूं, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस साल का जो आईपीएल है, जो जिस हिसाब के मैचेस हुए हैं अगर आप उठा के देखोगे, अगर पहली चीज अगर आप मेरा यूट्यूब का रिकॉर्ड देखोगे तो 75 मैच में मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 50-55 मैच मेरे सक्सेसफुल गए हैं, पूरा फर्स्ट डे से आज तक आप मिला कर सकते हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो आके बता सकते हो नोबड़ी को। ठीक है, दूसरी चीज आईपीएल इस बार अच्छा नहीं हुआ, आप खुद जानते हो, आप सोच लो कौन सा आईपीएल ऐसा हुआ जो लास्ट बॉल पे कोई बड़ा जैकपॉट उड़ा हो, लास्ट ओवर में कुछ ऐसा हुआ हो, जो हर साल किया, जैसे डेविड मिलर ने एक दो पारी खेली थी 2 साल पहले के आईपीएल में, लास्ट ईयर में गुजरात में काफी मैच अच्छे हुए थे, इस साल भाई कुछ नहीं हुआ, 5-10 पैसे का तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, उसको क्रिकेट बोलते ही नहीं, क्योंकि पिचेस इतनी ईजी थी। अब तीसरी चीज आईपीएल में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये सिंस इनकी टीम स्ट्रॉन्ग है और ये भी टीम अच्छा कर रही है, इस साल के आईपीएल में कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कौन सी टीम मेरे को सही लग रही है। ठीक है, इन दोनों में कौन जीतेगा मतलब मेरा अलग से कुछ नहीं है। अब देखिए मैं सिंपल सी बात है, मैं पैट कमिंस का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं प्लेयर्स के नेचर को समझता हूं और उनके कोचेस वगैरह को समझने का ट्राई करता हूं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इनसाइड जो मैं सोचता हूं। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है, मेरे को श्रेयस अय्यर बिल्कुल पसंद नहीं, एटीट्यूड की वजह से, एटीट्यूड फैक्टर बहुत ज्यादा है, जब भी वो ग्राउंड पे भी आएगा आप देखोगे मेरे को पसंद नहीं है तो नहीं है, उसका एटीट्यूड मेरे को कभी सही नहीं लगा और थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगता है। ठीक है, दूसरा गौतम गंभीर हद से ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, बात 10 बात वो बोलते हैं तो 8 बात उनकी सही भी होती है, पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरा मानना होता है। ठीक है, सिंस अपनी टीम को यहां तक ले आए हैं, और देखा जाए तो तीसरी चीज इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुनील नारायण ने सारा ही मैच खेल लिया, बट देखिए समझ में कम है, बट हमारी टीम यही रहेगी, मैंने वही आपको बता दिया, मेरा बस पहली थिंकिंग यही थी,
भैया पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जिताया, मैंने उधर आपको बताया भी है, पैट कमिंस ने लास्ट ईयर 2 वर्ल्ड कप जिताया ऑस्ट्रेलिया को, काव्या मरन ने लास्ट ईयर भी टूर्नामेंट जीता, इनके जो साउथ अफ्रीका का फ्रेंचाइज है सदर्न ईस्टर्न केप का के जो नाम है, इस साल भी जीता, ठीक है, लक अच्छा चल रहा है। और हैदराबाद जैसी टीम को फाइनल तक पहुंचा देना कोई नहीं सोच सकता, जिस हिसाब से इनके कोचेस वगैरह ने प्लान किया कि शुरू में मार के खेलेंगे, और सभी अच्छा खेल रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, इवन तो देखा जाए तो नीतीश रेड्डी अब्दुल समाद ने अच्छा नहीं किया, बट ये दोनों भी काफी अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है। और सबसे बेस्ट तो ये है पैट कमिंस, कैप्टनसी मैटर करती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कैप्टन समझदार होगा, कैप्टन सही तरीके से, इसे लास्ट मैच में क्यों जीते, जैसे ही शहबाज अहमद इन सब ने विकेट लेना शुरू कर दिया तो इन्होंने 4 ओवर अभिषेक शर्मा से करा दिया। मैं तो जिंदगी भर से बोलता रहा हूँ अभिषेक शर्मा को, भाई आप इंपैक्ट के तौर पर खिलाई क्यों रहे हो, वो अपने डोमेस्टिक में पंजाब में 4 ओवर बॉलिंग करता है, ओपन बैटिंग करता है, मैं तो ये पिछले साल से बोल रहा हूँ, सेम रियान पराग को बोलता हूँ, तो लास्ट मैच में इन्होंने क्या किया, डरे ही नहीं, लेफ्टी हिट मारा है कोई भी है, इन्होंने पूरा 8 ओवर स्पिनर करा दिया, इवन एडन मार्करम को भी दे दिया, तो इसको बोलते हैं गट्सी कैप्टनसी। और कोई होता तो हो सकता है फास्टर लगा देता, हो सकता है पिटैया कर देते जो दूसरी वाली टीम थी आपकी राजस्थान, हो सकता है वो हार जाते, तो वो गट्स कैप्टनसी पैट कमिंस के अंदर है, बिकॉज ये सब होता है ना कि भाई एक बार वर्ल्ड कप जिता दिया, वो सब प्रेशर ये ले चुका है, और बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि बड़ा प्लेयर नहीं, अगर देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जिताया था ये खड़ा था, ठंडा पड़ा था भाई साहब, हर बॉल डॉट कर रहा था, मतलब ऐसी पारी तो कोई सोचेगा, सब ये सोचेंगे मैक्सवेल ने वो मैच जिताया, बट एक्चुअली में भाई जो सेकंड एंड पे पैट कमिंस की जो बैटिंग थी, भले ही कुछ रन नहीं बनाया, पर आप सोचो किस हिसाब से उन्होंने एंड तक रुके रहे, वरना लोग तो पागल हो जाते हैं कि चलो भाई मार के आउट हो जाते हैं, अब तो हार ही गए हैं, तो इसकी जो जीत की भूख है ना वो बहुत बड़ी है पैट कमिंस की, और ये बहुत हद से ज्यादा समझदार है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा ब्लंडर है कि मिचेल मार्श को कैप्टनसी दे दिए वर्ल्ड कप की, और लिख के ले लो ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा ना इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है, दोनों वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले, ऑस्ट्रेलिया की ब्लंडर ये है कि पैट कमिंस को कैप्टनसी से हटा करके, हालांकि वो कभी कैप्टन थे ही नहीं, बट मेरे हिसाब से उनको कैप्टन बनना चाहिए था। अब देखिए टूर्नामेंट के दो सबसे टॉप पिक यही दोनों थे, ये और पैट कमिंस, और इन दोनों का मुकाबला है। मैं देखिए सिंपल सी बात है, कोलकाता हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप दोनों चेस करते हैं तो भी इनके बहुत बढ़िया सब खेल रहे हैं, पर आप रहोगे हैदराबाद के साथ, और इसी के साथ मैं बंद करूंगा, ठीक है, वरना कुछ बोलने को नहीं, इस बार का आईपीएल इतना ठंडा हुआ ना कि मेरा खुद का मन नहीं है उतना वो करने का, तो फिर भी भैया टीम बतानी है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसमें मैंने बता दिया, इसमें हमारी टीम कल के दिन कप विनर हैदराबाद रहेगी, पूरा मेरा जो थिंकिंग है, पूरा मेरा जो बीई है वो आपका पैट कमिंस पे है, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, कल के दिन अगर वो ट्रॉफी उठाता है तो मेरे को हद से ज्यादा खुशी होगी। अगर कोलकाता का कप्तान नीतीश राणा होता, जो मैंने लास्ट ईयर आपको बोला था कि दिल का बहुत अच्छा बंदा है, पर वो नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं कोलकाता वाले, तो पर सीरियस अगर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, मैं यही चीज हर बार बोलता हूं, जो मैं आज भी बोल के जाऊंगा बिना डरे, ठीक है, वर्ल्ड कप में भी मैंने यही बोला था, फिर भी आपको बोला था कि कुछ गड़बड़ हो तो आप बोल सकते हो कि रोहित शर्मा गड़बड़ किया है, जो उसकी वजह से वो कैप्टनसी में नहीं जीत पाएगा कोई भी चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, आप देख लो लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, हार्दिक पंड्या को उठा लो, कितनी सारी न्यूज़ आ रही है, वो जब कंफर्म होगा तब मैं आपको एक ऑडियो दे सकता हूँ, आपके जितने भी इंडिया के क्रिकेटर हैं सब डाउन डाउन चल रहे हैं अभी, ठीक है, पैट कमिंस अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और श्रेयस अय्यर का मेरा बस यही इशू है कि उसका थोड़ा एटीट्यूड फैक्टर ज्यादा है, वो आईपीएल की ट्रॉफी उठाए वो मेरे को हल्का सा खल जाएगा, ठीक है, बाकी तो नहीं है, मेरी सिर्फ पूरी थिंकिंग के बेसिस पे है, ठीक है, मेरी थिंकिंग यही है कि हाँ शाहरुख खान इतना कुछ किया है वो काफी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शाहरुख सलमान ये सब इतना चैरिटी और इतना, मतलब इनके नाम पे आप मान के चलो सलमान खान के तो नाम पे ना जाने कितने लोगों का पेट भरता है डेली, ठीक है, ये सबके ऊपर मैंने एक और ऑडियो दिया हुआ, मतलब उनके ऊपर कितने ऑपरेशन वो कराते हैं, अगर सलमान खान कितना मान लो अगर वो 100 रुपया कमाते हैं ना तो 80 रुपया तो दे ही देते हैं आराम आराम से, ठीक है, और उनकी फीस आप समझ लो करोड़ों में है, मतलब वो इतना पैसा बांटते हैं ना कि अगर आज वो चले जाए तो लोग इतने लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है, वो आपको अंदाजा भी नहीं है, जितना गवर्नमेंट नहीं करी उतना तो ये लोग कर रहे हैं, पर आपको नहीं समझ आएगा ये लोग भाई गढ़ के आए, पर हाँ शाहरुख खान ने बहुत कुछ किया है, उसका हो सकता है उसकी वजह से कोलकाता के ऊपर कुछ वो पड़े, बट मैं रहूंगा हैदराबाद के साथ, थोड़ा सा डाउट है मेरे को इस साल के आईपीएल में, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा, पर लास्ट मैच जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हैदराबाद के साथ आप रहो, आप अगर प्लस हो गए तो वही आप फाइनल में करोगे, ठीक है, तो आप लास्ट मैच में प्लस हुए, आप हैदराबाद को पकड़ो उसी से और आप हैदराबाद विन करने का ट्राई करो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और कल के दिन अगर आप मैंने तो मैच मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से फिर से हेनरिक क्लासन को या तो ट्रेविस हेड याद रखेगा, बिग मैच प्लेयर है, ठीक है, मतलब आप याद रख लो फाइनल में अच्छा खेला था टेस्ट चैंपियनशिप के और वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा खेला था, इवन सेमीफाइनल भी अच्छा खेला था, लास्ट मैच में भी उसने काफी अच्छी पारी खेला था, बट धीरे से खराब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया था, थोड़ा रात में वीडियो बनाया शायद अच्छा वीडियो नहीं बना, ठीक है, बट फिर भी मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, इनके पास दो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, ट्रेविस हेड और आपका हेनरिक क्लासन, बाकी पैट कमिंस है और भुवनेश्वर कुमार आपके सब, मेरे को लगता है कल सुनील नारायण भी सस्ते में आउट होना चाहिए, पिच भी थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी, बैटिंग करें बॉलिंग करें आप हैदराबाद के साथ रहो, हमारी टीम हैदराबाद कल के दिन रहेगी, बस इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं, ठीक है, यही एक हमारा मेन मैच रहेगा, उम्मीद करता हूं पैट कमिंस फिर से ट्रॉफी उठाए वर्ल्ड कप की तरह और सबका मुंह बंद कर दे एक बार फिर से, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूं।